अंडरवियर में भी उत्तराखंड का होता है क्या? आज हम अंशु के लिए कच्ची लेने जा रहे हैं। अरे सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं अपने दोस्तों के साथ जाने वाला हूँ मार्केट। आपको पता ही है यार कि दिवाली आ गई है और धनतेरस भी आज है, तो आज हम मार्केट जाएंगे। देखते हैं आज मार्केट का क्या सीन रहता है, क्या हाल है खटीमा के मार्केट का। और यार देखो व्लॉग पूरा देख के जाना क्योंकि यार मैं अपने खटीमा गाँव से बस देखो इतना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने खटीमा की हर छोटी से बड़ी चीज दिखा सकूँ, उसको एक्सप्लोर कर सकूँ। बस मैं यार इतनी सी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो यार प्लीज सपोर्ट कर दिया करो लाइक शेयर और कॉमेंट करके। तो यार वीडियो एंड तक देखना और बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की ओर। और यार देखो बातें बहुत सारी हो गई हैं, इससे पहले कि मैं मार्केट चले जाऊं मैं आपको आज अपने घर का सीन दिखाता हूं कि मेरे घर में आज क्या चल रहा है। तो चलो भाई, सुबह सुबह उठते ही भाई इनकी शैतानी शुरू हो जाती है, ये यहां से वहां पूरे घर में भाई दौड़ लगाने लगते हैं। तो ये पीछे दीवार हो रखी है नीली और मम्मी ने सूट भी पहन रखा है नीला, ऐसा लग रहा है कि मम्मी को भाई दीवार में ही किसी ने चिनवा दिया है। और मम्मी ने आज भाई बालों में लगा रखी है मेहंदी ताकि मम्मी भाई 10-20 साल और जवान दिख सके। तो अभी ये लोग यहाँ पे एक फल काटने वाले हैं जिसका नाम चकूतरा है या पता नहीं चबूतरा, ये जो भी है एक पहाड़ी फल है। तो आपको दिखाता हूँ ये कैसा है। ये है पहाड़ी फल और इसको खाने वाले भी हैं बहुत ही ज्यादा पहाड़ी। इसका नाम है चबूतरा। ये चबूतरे का चकूतरा बेटे है, चकूतरा चकूतरा। ये है चकूतरा, पता नहीं क्या है, मीठा होता है, संतरे जैसा है ये चकोतरा फल इसका है। ये पहाड़ी फल है, ये फिर कैसा फल है? पहाड़ी। तो ये पहाड़ी में इसे बोलते हैं चकोतरा या फिर ये फल ही पहाड़ी है पता नहीं। ये बताओ कि इसे चकोतरा कहते हैं या चबूतरा? इसको कहते हैं चबूतरा। क्या कहते हैं? चबूतरा। चबूतरा संतरे जैसा है, खट्टा हो रहा है कभी मीठा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा लेकिन है क्या, कोई चकोतरा कह रहा है कोई चबूतरा कह रहा है, हमें तो बिल्कुल नहीं पता भैया इसके बारे में। ये जो भी हो लेकिन हम तो खा देंगे इसे। तुम क्या कहना चाहती हो कि इसे क्या बोलते हैं? इसे चकोतरा कहते हैं या चबूतरा? हैं? चबूतरा। चपू अब चेंज कर दिया तूने। ताई ने बोला तो मैंने भी कर दिया फिर। तो गाइस अभी हम घर से निकल के मार्केट की ओर आए हुए थे और आप देख सकते हो कि जैसा कि अभी दिवाली आने वाली है और आज धनतेरस है, तो आप देखो कि पीछे खटीमा के मार्केट में कितनी सारी भीड़ है। और रास्ते में आते आते हमारी ये दोस्त भी मिल गई थी। कहाँ पे है, कहाँ पे छुप गए यार ये? तो ये रास्ते में हमें मिल गई थी हमारी एक दोस्त जो कि इस भीड़ में भाई खो जा रही है। भाई ये इतनी सी तो है भाई, वो भी ये खो जा रही है भीड़ में। और अभी चलते हैं मार्केट के अंदर और देखते हैं भाई यहाँ पे क्या है और कैसा मार्केट लगा हुआ है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। आज हम अंशु के लिए कच्ची लेने जा रहे हैं। अरे तेरे को क्या लेना मार्केट से? कुर्तियाँ देखनी है, देखते हैं अभी कैसी मिलती हैं। तो गाइस इतने बड़े मार्केट में मैं यहाँ पे अपने कच्चे लेने आ रखा हूँ यहाँ पे और देखता हूँ मैं। A few moments later. हाँ हाँ मेरी वीडियो कर दो दुकान की। अब अलग बात है। फोन आया तो बता देना एड्रेस। ठीक है भैया। स्टार कलेक्शन पोस्ट ऑफिस के सामने खटीमा। हम आपका आजाद मार्केट। दुकान का एड्रेस। ठीक है। आएं और सेवा का मौका दें एक बार। डिस्काउंट होगा 30 पे। अरे यार उसके पीछे लिखा ना उत्तराखंड। ये अंडरवियर में भी उत्तराखंड लिखा होता है क्या? तू ये खा रही है पीछे तो बता, ये कैंडी पीछे। ये एक जमाने में 1-2 रुपए का आया करता था ना? तो अब वो जमाना भी तो नहीं रहा 1-2 रुपए वाला। तो गाइस पीछे हमारी एक छोटी सी बच्ची है, ये देखो भाई इतने बड़े हो गए भाई कैंडी कैसे खा रही है यहाँ पे। और इसको क्या कहते हैं कैंडी? क्या? कॉटन कैंडी। कॉटन बुढ़िया के बाल। और ये ढूंढ रही है यहाँ पे अपने के लिए कुर्ती, और अपनी कुर्ती ढूंढने के लिए हमें लगवा रहे हैं चक्कर चारों तरफ, और बड़ी मुश्किल से एक जगह यहाँ पे मिली है। अब देखते हैं क्या है। देखो भाई हर माल 250 भाई। तो जैसा कि भाई तुम देख सकते हो कि अभी दिवाली के टाइम पे यहाँ पे पूरा मार्केट भाई पूरा भर चुका है भाई, फुल हो रखा है। हमें भीड़ भी हो रखी है अभी दोपहर के टाइम पे, और शाम के टाइम तक तो भाई ये पूरा मार्केट भर जाता है भाई भीड़ से, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे शाम के टाइम। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर की ओर क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था यार मार्केट का। और हमने उसको तो टाटा बाय बाय कर दिया, वो भी अपने घर चले गई और हम भी अपने अब घर जा रहे हैं। अब देखो पैदल ही चलते हैं घर की ओर।
और मार्केट का तो आपने पटाखे ले ले क्या? पटाखे पटाखे क्या लोगे यार, छोड़ो चलो, वैसे जिंदगी फट रखी है। ये सही था। सो गाइस फाइनली अब हम लोग घर पे आ चुके हैं और भाई मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी मार्केट में, इसलिए मैं सबसे पहले घर आते ही देखो भाई दाल चावल खा रहा हूँ और ये जल्दी से खा लेता हूँ वरना ये ठंडा हो जाएगा। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो यार नीचे कॉमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और आप भी जाओ अपना खाना पीना खाओ। और देखो यार जिसने जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली, मैंने कुछ भी नहीं लिया यार क्योंकि मेरे को इतनी भीड़ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज धनतेरस है तो यार शाम को आज मैं जाके शायद कुछ बर्तन वगैरह ले लूँ और क्या पता मैं आज का ब्लॉग भी डाल दूँ शाम का। तो यार बने रहना, अभी तो फिलहाल हम चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखो।